हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस. स्वागत है आप सबका मेन्स डे में, मैट में. आज हम जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, सो दिस इज रिलेटेड टू GS3 पेपर. सो द क्वेश्चन इज डिफाइन जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग. तो इस पे ध्यान दीजिए. जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, डिस्कस द वेरियस बेनिफिट्स ऑफ जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग एज कम्पेयर टू द कन्वेंशनल फार्मिंग. ठीक है, सो अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें, आप पहले इंट्रोडक्शन में डिफाइन करेंगे कि ये होता क्या है, देन यू विल यू नो डिस्कस द वेरियस बेनिफिट्स, एंड देन एज अ पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर यू विल ऑल्सो डिस्कस दैट देर आर सर्टन कंसर्न्स विच आर एसोसिएटेड विद ZBNF. ठीक है, वाई आर द क्रिटिक्स नॉट सो फैंसीफुल ऑफ द आइडिया कि ZBNF को अडॉप्ट कर लेना चाहिए. ठीक है, सो वी विल डिस्कस द कंसर्न्स इन डिटेल एंड देन वी विल मूव ऑन टू द वे फॉरवर्ड कि गवर्नमेंट को क्या क्या कर सकते हैं इन ऑर्डर टू प्रमोट ZBNF एंड फाइनली द कंक्लूजन. ठीक है, सो सिंपल रखेंगे स्ट्रक्चर को. सो स्टार्ट करते हैं. सो आई वुड सजेस्ट कि आप इस आंसर को खुद से लिखिए एंड देन मे बी यू कैन कंपेयर योर पॉइंट्स, कंपेयर द स्ट्रक्चर एट्सेट्रा. सो इफ वी सी व्हाट जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग इज, सो जीरो बजट मींस के कोई भी इनपुट्स नहीं रिक्वायर्ड होंगे, मतलब आपकी कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगी, कोई भी पैसे आपके इनपुट्स में नहीं लगेंगे, आप नेचुरल जो इनपुट्स हैं उन्हीं को यूज करेंगे. ठीक है, सो इट मीन्स विदाउट यूजिंग एनी क्रेडिट एंड विदाउट स्पेंडिंग एनी मनी ऑन द परचेस्ड इनपुट्स. ठीक है, कि आप कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो इनपुट्स पे. दूसरी चीज, नेचुरल फार्मिंग का मतलब है कि आप नेचर में जो इनपुट्स हैं उनसे फार्मिंग कर रहे हो. यू आर यूटिलाइजिंग नेचर इन दिस एंड यू आर नॉट यूटिलाइजिंग एनीथिंग केमिकल, राइट. सो बेसिकली जो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग है ना, उसको ब्रेक डाउन करके यू कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड व्हाट इट इज, राइट. देन इट वॉज पायनियर्ड बाय सुभाष पलेका, ही इज अ पद्मश्री अवॉर्डी एंड इट इज अ यूनिक मॉडल ऑफ फार्मिंग विच इज इन हार्मनी विद द नेचर. नेचर के साथ ये हार्मनी पे है एंड इट फोकसेस ऑन लो इनपुट और जीरो बजट. ठीक है, जीरो इनपुट, कुछ ना कुछ इनपुट्स तो लगेंगे ही, तो हम लो इनपुट कह सकते हैं एंड हाई आउटपुट एग्रीकल्चर विच एम्स टू एनहांस द फार्मर्स वेलफेयर, राइट. नाउ इट अटेन्ड वाइड सक्सेस इन साउथर्न इंडिया, स्पेशली कर्नाटका वेयर इट फर्स्ट इवॉल्व्ड एंड इट स्पाउसेस दैट प्रोडक्ट्स विच आर मेड फ्रॉम नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, जो नेचर में मिलते हैं प्रोडक्ट्स, उनको आप इनपुट्स यूज कर सकते हो. एंड अगर आप नेचर में जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है उनको आप एज इनपुट्स यूज करोगे, सो ऑब्वियसली द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज गोइंग टू गो डाउन, है ना, क्योंकि वो सब तो नेचुरली अवेलेबल है. आपको यू नो किसी दुकान पे जाके नहीं खरीदने हैं इनपुट्स, ठीक है, केमिकल्स नहीं खरीदने हैं, फर्टिलाइजर्स नहीं खरीदने हैं, इंसेक्टिसाइड्स नहीं खरीदने हैं, तो जो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगी. इट विल कम टू नियरली जीरो. ऑब्वियसली इट वोंट बी जीरो, राइट, इट विल बी नियरली जीरो. एंड रिटर्न टू अ प्री ग्रीन रेवोल्यूशन, जब ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद देखो जो फर्टिलाइजर्स हैं, जो पेस्टिसाइड्स हैं, उनका यूजेज काफी बढ़ गया था. सो इट एम्स दिस यू नो ZBNF एम्स टू रिटर्न टू बिफोर द ग्रीन रेवोल्यूशन एरा, द प्री ग्रीन रेवोल्यूशन एरा, जब पेस्टिसाइड्स केमिकल्स का यूसेज कम था और नेचुरल इनपुट से फार्मिंग होती थी. ठीक है, और ऑब्वियसली जब आप इनपुट्स कम कर रहे हो, आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम कर रहे हो, तो इट विल हेल्प टू पुल द फार्मर्स आउट ऑफ द डेट. ठीक है, एंड पुटिंग अ स्टॉप टू द अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस. नाउ व्हाई डू वी कॉल देम अनसस्टेनेबल इज, जैसे कि आप एग्जांपल ले लो कि कोई भी पेस्टिसाइड था. ठीक है, पेस्टिसाइड्स अगर हम देखें, पेस्टिसाइड्स आर द वन विच गो आफ्टर द पेस्ट. ठीक है, नाउ द पेस्ट, दे आर इवॉल्विंग सर्टन मैकेनिज्म्स टू आउट डू द पेस्टिसाइड. तो इसका मतलब यह है कि थोड़े टाइम के बाद जो पेस्ट, सेम पेस्ट लेकिन पेस्टिसाइड उतना इफेक्टिव नहीं होता है, तो फार्मर्स क्या करते हैं, ज्यादा पेस्टिसाइड लेते हैं. ठीक है, और थोड़े टाइम बाद वो ज्यादा भी इफेक्टिव नहीं होता है, बिकॉज पेस्ट्स आर कंटिन्यूसली इवॉल्विंग, राइट. सो एक तरह से ये अनसस्टेनेबल है. अगर आप एक लिमिट से ज्यादा पेस्टिसाइड डालोगे, आप केमिकल्स डाल रहे हो, ठीक है, सो दैट इज नॉट इवन फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन.
ठीक है. सो ऑल दीज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस आर अनसस्टेनेबल बिकॉज ऑफ द हाई यूज ऑफ केमिकल्स एंड दिस ZBNF एम्स टू पुट अ स्टॉप ऑन दैट राइट. उसके बाद इफ यू टॉक अबाउट द फोर पिलर्स ऑफ दिस जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग इट शुड बी ZBNF जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग. सो इट इज बेस्ड ऑन फोर पिलर्स ठीक है. वन इज जीव अमृता ठीक है. इट इज अ फर्मेंटेड माइक्रोबियल कल्चर ठीक है. माइक्रोब्स का एक कल्चर होता है. इट इज अ मिक्सचर जिसको वंस इन अ फोर्टनाइट या वंस इन टू वीक्स आप इंट्रोड्यूस करते हो टू प्रोमोट दी बायोलॉजिकल एक्टिविटी इन द सॉइल ठीक है. सो ये नेचुरली आपको मिल जाएगा. उसके बाद बीज अमृता और बीजा अमृता. सो इट इज अ ट्रीटमेंट विच इज यूज फॉर सीड्स सीडलिंग्स और एनी प्लांटिंग मटीरियल. आप उनको ट्रीट करते हो ठीक है. उसकी वजह से क्या होता है कि जो यंग रूट्स हैं या जो सीड्स हैं दे आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द फंगस एज वेल एज द अदर सॉइल बॉर्न डिजीजेस दैट कॉमनली इफेक्ट्स अ प्लांट्स ठीक है. तो सीड्स की एक ट्रीटमेंट है विद अ नेचुरल कॉन्कॉक्शन राइट. देन अच्छा दाना इज मल्चिंग. मल्चिंग क्या होता है कि आप ग्राउंड को ना ये जो पत्ते होते हैं ना उससे कवर कर देते हैं ठीक है ग्राउंड को. उसके ना बहुत फायदे हैं जैसे कि मॉइस्चर रिटेन्ड रहता है ठीक है. और मल्चिंग इज ऑल्सो नोन टू रिस्ट्रिक्ट द वीड ग्रोथ द सप्रेस द वीड ग्रोथ राइट. और मॉइस्चर भी रहता है. सो मल्चिंग इज ऑल्सो अ पिलर ऑफ दिस जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग राइट. इट इज ऑल्सो यू नो प्रोमोटेड. देन अनदर इज वपासा दैट इज मॉइस्चर ठीक है. मॉइस्चर should be there so as to improve the soil humus or soil humus or the organic component of the soil theek hai. so that is there. now in 2015 the government of Andhra Pradesh instituted the Raitu Sadhikara Samstha that is a state owned non profit organization jo ki promote karti hai zero budget natural farming practices ko sare farmers ko jo ki Andhra Pradesh se hain ठीक है. सो द गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश हैज लॉन्च्ड अ स्केल आउट प्लान ठीक है टू ट्रांजिशन 6 million फार्म्स या फार्मर्स कल्टीवेटिंग 8 million हेक्टेयर्स फ्रॉम कन्वेंशनल टू जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग बाय 2024 मेकिंग आंध्र प्रदेश इंडियाज फर्स्ट 100% नेचुरल फार्मिंग स्टेट ठीक है. सो आंध्र प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा जोरों शोरों से प्रमोट किया जा रहा है. उसके बाद और भी जो स्टेट्स हैं बिसाइड्स आंध्र प्रदेश यू हैव छत्तीसगढ़ हिमाचल उत्तराखंड केरला एंड कर्नाटका. दे हैव ऑल्सो आस्ट द पर्सन हु पायनियर्ड द ZBNF दैट इज सुभाष पालेकर टू ट्रेन देयर फार्मर्स इन दीज मेथड्स ठीक है. बिसाइड्स दी फोर पिलर्स यू हैव अदर इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑल्सो. वन इज इंटरक्रॉपिंग ठीक है. इंटरक्रॉपिंग में ना ये एक इंपॉर्टेंट चीज इसलिए है दिस इज हाउ द ZBNF गेट्स इट जीरो बजट. इट डजेंट मीन दैट द फार्मर इज गोइंग टू हैव नो कॉस्ट ठीक है. बट द पॉइंट इज एक तो आप जो कॉस्ट है ना उनको कम कर रहे हो ठीक है. यू आर डिक्रीजिंग द कॉस्ट जो कि शायद कन्वेंशनल फार्मिंग में बहुत ज्यादा होती है क्योंकि इनपुट्स आपको खरीदने पड़ते हैं. यहां पर क्या है यहां पर आपको जो कॉस्ट है ना दे विल बी कॉम्पनसेटेड बाय इनकम फ्रॉम इंटरक्रॉप्स ठीक है. तो जो भी आप फार्मिंग कर रहे हो उसके जो वेस्ट होंगे वो एक तरह से दूसरे जो आप क्रॉप को उगाओगे उसमें यूटिलाइज हो जाएंगे ठीक है. दैट इज हाउ इट इज गोइंग टू बी जीरो बजट और लो इनपुट. देन रेन वाटर प्रिजर्वेशन इज इंपॉर्टेंट. देन अर्थ वॉर्म्स ठीक है टू ट्रीट द सॉइल ठीक है. उसके बाद काउडंग ठीक है. सो काउडंग में भी ना देर इज अ स्पीशीज दैट इज बॉस इंडिकस. तो इसका जो डंग है दैट इज कंसिडर्ड टू बी वेरी बेनिफिशियल एंड यू नो इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्रीकल्चर ठीक है. सो ये कहा जाता है कि इंटायर ZBNF इज सेंटर्ड ऑन द इंडियन काउ विच हिस्टोरिकली हैज बीन पार्ट ऑफ द इंडियन रूरल लाइफ ठीक है. सो उस पर भी ये बेस्ड है. सो दीज आर ऑल्सो द कॉम्पोनेंट्स राइट. सो दिस इज समथिंग यू कैन ऑब्वियसली आप इसको जो पिलर्स वाला पॉइंट है इसको आप डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हो ठीक है. उसके साथ और इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल जैसे इंटरक्रॉपिंग ये भी आप ऐसे प्रेजेंट कर सकते हो ठीक है. सो यू कैन प्रेजेंट इट लाइक दैट. देन बेनिफिट्स ठीक है. बेनिफिट्स देखो अब देर आर नो केमिकल्स और इंसेक्टिसाइड्स यूज. इट कंज्यूम्स ओनली 10% ऑफ द वॉटर दैट क्रॉप्स दे कंज्यूम इन अदरवाइज कन्वेंशनल मेथड्स ठीक है. सो ऐसा कहा जाता है विद वन काउ फॉर यूरिन एंड डंग वन कैन प्रैक्टिस ZBNF ऑन 30 acres एंड मेक इवन प्रॉफिट्स फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ईयर. वन कैन मेक एन इनकम ऑफ 6 lakh एन एकर इन इरीगेटेड एरियाज एंड 1.5 lakh इन नॉन इरीगेटेड एरियाज ठीक है. तो काफी ज्यादा इकोनॉमिकली ये वाइबल ऑप्शन है. इकोनॉमिकली प्रॉफिटेबल एक ऑप्शन है ये.
उसके बाद है बिसाइड्स रिड्यूस्ड इनपुट कॉस्ट के, एक तो आपकी इनपुट कॉस्ट कम हो गई, देन जो फार्मर्स है ना दे गेट हायर यील्ड्स ऑल्सो. ठीक है, इनपुट कॉस्ट कम हो गई और उसके बाद आपकी जो यील्ड है वो भी बढ़ गई, तो दोनों तरह से विन विन है. ठीक है, देन इट ऑल्सो हैज अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन क्वालिटी ऑफ द सॉइल. इसकी फर्टिलिटी जो भी आप प्रैक्टिसेस करते हो ZBNF में, इसमें सॉइल की फर्टिलिटी और जो रिटेंशन कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज होती है, इवेंचुअली इंक्रीजिंग द क्रॉप्स प्रोडक्टिविटी एंड फार्मर्स इनकम. उसके बाद सिंस इन्वेस्टमेंट्स कम है इसमें, तो लेस डिपेंडेंस ऑन लोन्स एंड सब्सिडीज, सो द फार्मर्स कैन कम आउट द विशियस साइकिल ऑफ डेट. ठीक है, इट इज इवन प्रॉफिटेबल फॉर द फार्मर्स विद स्मॉल होल्डिंग्स, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है जो स्मॉल होल्डिंग्स होती है, तो जो छोटे छोटे जो फार्मर्स होते हैं सिंस दे हैव स्मॉल होल्डिंग्स, तो उनके लिए इतना प्रॉफिटेबल नहीं हो पाता क्योंकि इनपुट्स की कॉस्ट उतनी ही रहेगी. तो अगर आप एक फार्मर विद स्मॉल होल्डिंग को कंपेयर करो फार्मर विद बिग लैंड होल्डिंग, तो जो बिग लैंड होल्डिंग है वो बाय डिफॉल्ट ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, लेकिन जो ZBNF है वो स्मॉल होल्डिंग्स के लिए भी कहा जाता है इट इज़ मोर प्रॉफिटेबल. देन इट इज़ द वन विच प्रमोट्स द फार्मर्स वेलफेयर एंड इट विल ऑल्सो हेल्प यू रिड्यूस द फार्मर्स सुसाइड्स, बिकॉज जो डेट की वजह से मैक्सिमम सुसाइड्स होते हैं. फिर उसके बाद ना एक और इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जेनेटिक डाइवर्सिटी को हेल्प करने में मेंटेन करता है. ठीक है, और उसके अलावा आप क्योंकि ग्राउंड वाटर इतना यूज़ नहीं करते, सो ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर को कम होगी इसमें. ठीक है, इनेबल एक्विफर रिचार्ज एंड इवेंचुअली कॉन्ट्रीब्यूट टू इंक्रीजिंग वाटर टेबल्स. देखो ये जो चीज़ें हैं ना, ये है कि जहाँ पे जो क्रॉप्स ग्रो हो सकते हैं ना वहीं पे वही क्रॉप्स ग्रो होंगे. ठीक है, सो उस तरह से जो एक जगह की नेटिव इकोसिस्टम है एक तरह से उसको मेंटेन किया जाएगा. और अनलाइक अभी जब पैडीज यू नो ग्रोन इन द वेरियस पार्ट्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, वहाँ पे इतना पानी नहीं है, इतनी बारिश नहीं होती जितनी लेट्स से वेस्ट बंगाल में होती है, तो ग्राउंड वाटर पर डिपेंडेंट है पैडी, तो उस वजह से ग्राउंड वाटर नीचे आ रहा है. ठीक है, सो वो चीज़ों को ये अवॉइड करता है. देन ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ केमिकल्स फर्टिलाइजर्स एंड इंसेक्टिसाइड्स, जो सॉइल कार्बन लेवल्स है ना दे हैव बीन कमिंग आउट कमिंग डाउन. तो ऑब्वियसली अगर आप इनको यूज ही नहीं करोगे, ठीक है, तो जो सॉइल कार्बन लेवल्स है दे वुड बी मेंटेन्ड. उसके बाद फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, ऑब्वियसली दे कंटामिनेट द ग्राउंड वाटर, दे आर नॉट गुड फॉर द हेल्थ ऑफ द पीपल. ठीक है, सो दैट कुड बी प्रिवेंटेड. Then they will also help the farmers to build resilience against extreme climate events by improving the fertility and strength of the soil. ठीक है, उसके बाद obviously ये organic farming और conventional agriculture ना they lead to increase in the greenhouse gases. It doesn't. ZBNF doesn't. उसके बाद health hazards नहीं है क्योंकि chemicals नहीं use हो रहे. So it can make India it can help make India significant progress towards almost a quarter of the 169 SDG targets. ठीक है, ये एक important चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए. राइट, उसके बाद अगर हम कंसर्न्स की बात करें ना, तो सबसे जो बड़ा कंसर्न है ना वो ये है कि इसके ऊपर एडुकेट साइंटिफिक रिसर्च नहीं हुई. तो जो एक्सपर्ट्स हैं या जो क्रिटिक्स हैं वो ये कहते हैं कि हम इट हैज़ नॉट बीन टेस्टेड ऑन अ वाइडर स्केल. ठीक है, तो अब क्या ये सक्सेसफुल होगी सारे सॉइल टाइप्स और सारे एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में, वो क्वेश्चनेबल है. ठीक है, सो दिस इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसर्न. उसके बाद बाकी कंसर्न ये है कि फार्मर्स को पता ही नहीं है, और जिनको पता है दे आर ऑल्सो एम्प्रीहेंसिव इन अडॉप्टिंग इट एंड यू नो डिसकंटिन्यूइंग द कन्वेंशनल फार्मिंग. ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट भी कुछ ज़्यादा इतना पॉलिसी सपोर्ट तो देती नहीं है. ठीक है, देर इज़ अ लैक ऑफ डेडिकेटेड यू नो पॉलिसी फॉर द सेम. उसके बाद ये है कि ठीक है इन्वायरमेंटली सस्टेनेबिलिटी पता है हमें, लेकिन कमर्शियल सस्टेनेबिलिटी इज नॉट येट दैट प्रूविंग. ठीक है, इसमें वी नो कि केमिकल्स यूज नहीं होंगे, लेकिन क्या वो जो प्रॉफिटेबल था कन्वेंशनल फार्मिंग, क्या उतना प्रॉफिटेबल हो पाएगा ये? तो ये कुछ कंसर्न्स हैं विच कैन ऑब्वियसली बी एलेड बाय दिस एडुकेट साइंटिफिक रिसर्च. ठीक है, अब गवर्नमेंट क्या कर सकती है? वे फॉरवर्ड में आप ये लिख सकते हो कि द गवर्नमेंट कैन प्ले अ मोर यू नो एक्टिव रोल, कि आप ब्रिज करो नॉलेज गैप को. ठीक है, कि क्या इसके बेनिफिट्स हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली रिसर्च करो. उसके बाद यू कैन एस्टैब्लिश लोकल मार्केट्स एंड यू नो जो भी इनपुट्स हैं, छोटे मोटे इनपुट्स की ज़रूरत होती है आप वो दे सकते हो फार्मर्स को. तो उसके बाद लोकल मॉडल्स क्रिएट करो ताकि फार्मर्स इंकरेज फील करें टू पर्सू यू नो ZBNF. उसके बाद जो सीड्स हैं आप उनको मुहैया कराओ यू नो लोकल लेवल पे. इनपुट्स जैसे कि जीव अमृतम है उसको मुहैया कराओ. ठीक है, एटलीस्ट इन द इनिशियल स्टेजेस यू कैन डू दैट टू प्रमोट दिस, है ना.
इट कैन एस्टैब्लिश लोकल मार्केट्स इन ऑर्डर टू हेल्प फार्मर्स गेट रेम्यूनरेटिव प्राइस फॉर देयर प्रोड्यूस. ठीक है, तो हर एक लेवल पे पहले आप रिसर्च की बात करोगे. ठीक है, कि आप रिसर्च करो, उसके बाद आप जो नॉलेज गैप है उसको ब्रिज करो ताकि लोगों को पता चले कि ZBNF कुछ है, उसके फायदे हैं. उसके बाद आप लोकल मॉडल्स क्रिएट करो. ठीक है, और अगर कोई मॉडल सक्सेसफुल होता है तो उसको रेप्लीकेट करो बड़े लेवल पे. ठीक है, सीड्स मुहैया कराओ, जो इनपुट्स हैं उनको मुहैया कराओ, और फाइनली मार्केट्स एस्टैब्लिश करो. ठीक है, दिस इज व्हाट द गवर्नमेंट कैन डू. फाइनली ये कंक्लूजन में आप लिख सकते हो कि एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री ना कुछ कैश इंसेंटिव्स देगी फार्मर्स को जो कि योगिक फार्मिंग या गौ माता खेती एक्सेट्रा को अडॉप्ट करते हैं. तो उसी तरह से अगर हम ZBNF को भी मार्केट करें कि आपको इंसेंटिव्स दिए जाएंगे, और सो इट कुड बी अ स्टेप इन प्रमोटिंग ZBNF, क्योंकि एक तरह से ये भी इनडायरेक्टली आप ZBNF को ही प्रमोट कर रहे हो. ठीक है, सो इस तरह के और बाकी स्टेप्स भी लिए जाने चाहिए. ठीक है, ऑब्वियसली इट कैन यू नो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल अगर आप इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात करो तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले कर सकता है. उसके बाद गवर्नमेंट शुड ऑल्सो यू नो प्ले अ रोल इन हैविंग अ फोकस्ड अप्रोच टुवर्ड्स ब्रिंगिंग इन प्राइवेट एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट एंड सॉल्विंग मार्केट लेड चैलेंजेस फॉर क्रिएटिंग अ रूरल वर्चुअस साइकिल फॉर ग्रोथ. ठीक है, सो दैट इज़ वॉट इज इम्पॉर्टेंट, बिकॉज वंस वी अचीव द इन्वेस्टमेंट्स एंड यू नो द चैलेंजेस विच आर देयर विद रिस्पेक्ट टू ZBNF, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, वंस वी अचीव देम सो वी कैन क्रिएट अ रूरल ग्रोथ साइकिल एंड ZBNF कैन डेफिनेटली प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द सेम. ठीक है, सो दिस वॉज अबाउट योर ZBNF. सो आई हैव ट्राई टू कवर वेरियस इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इट. यू कैन ऑल्सो अटेम्प्ट दिस आंसर योर सेल्फ, राइट? यू शुड एक्चुअली, एंड वी विल मीट सून. थैंक यू.